कांग्रेस पार्टी राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी द्वारा विंध्याचल में टेका गया मत्था। मिर्जापुर विंध्याचल में आज प्रथम दिन शारदीय नवरात्र में मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने पहुंचे कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार में पुलिस नाकाम है, अपराधियों को किसी का कोई भय नहीं है। वहीं तिवारी ने कहा कि आज देश में कोरोना जैसी भयानक महामारी है तो इसके भी जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं। आगामी बिहार के चुनाव में आरजेडी कांग्रेस पार्टी सरकार बनने को कहा। दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों को न पुलिस का भय रह गया है न प्रशासन। मेरे ख्याल से अपने आप में एक अद्भुत अभूतपूर्व घटना है कि सीओ सर्किल के, एसडीएम उस डिवीजन के, सब डिवीजन के, सारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में जिस तरीके से उसने एक दो राउंड नहीं चलाए, 25 राउंड लोग कहते हो सकता, कुछ कम कुछ ज्यादा हत्या होती, पर उससे ज्यादा जिस बात ने मुझे विचलित किया कि जो अपराधी था जिसने गोली चलाई थी उस पुलिस के कब्जे में आ गया। पुलिस के कब्जे से वो छूटा कैसे? दो ही वजह हो सकती है, या तो जानबूझकर छोड़ दिया गया और या वो उनको किसी तरीके से धोखा देकर चला गया। दोनों में अक्षमता साबित होती है जिन लोगों ने उसे गिरफ्तार किया था। 3 से 2 का मुलजिम था, कम से कम 3 से 7 का तो रहा ही होगा, गोलियां चल चुकी थी, कैसे वो चला गया? और जिस तरीके से वहां क्षेत्रीय विधायक प्रशासन को दोषी ठहरा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसे आत्मरक्षार्थ अधिकार है। अरे भाई, आत्मरक्षा में आप उतना ही तो करोगे बल का प्रयोग जितना आवश्यक हो, क्योंकि आप 25 गोलियां चला के तमाम लोगों को घायल कर दोगे। दूसरा, सबसे बड़ी चिंता की बात है कि वो जाति की और धर्म की बात करने लगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे असफल हो गई, उसे जाति और धर्म के अलावा किसी बात का सहारा नहीं रह गया है। अपराध में भी जाति और धर्म ला रहे हैं, तो ये मिलाकर मैं इसे पूरी तरह उत्तर प्रदेश सरकार के असफलता मानता हूं और जो पूरे प्रदेश की स्थिति है वही बलिया में हुआ। बिहार चुनाव पर क्या कहेंगे लोग? सत्ता पार्टी अलग कर रहा है, बीजेपी का घाटा हो गया। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं रामविलास पासवान जी को, उनसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक कोई रहा नहीं। और जब उन्होंने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया तो ये समझ लेना चाहिए कि नीतीश कुमार की किश्ती डूब रही थी, वो जहाज डूबने वाला था, वरना रामविलास पासवान उस जहाज को छोड़ते नहीं कभी। और जो परिस्थितियां हैं बेरोजगारी की, 15 साल से जनता को जिस तरह वहां पर बेरोजगारी दी गई, आपने और हमने खासतौर से मिर्जापुर इलाहाबाद के लोगों ने देखा होगा कि लाखों बिहार के लोग जो मजदूर थे कहीं पैदल चल के यहां से गए। ये दर्शाता है कि बिहार सरकार ने कोई प्रबंध उनके लाने का नहीं किया था। दूसरा, वहां रोजगार नहीं है। तीसरा, भ्रष्टाचार चरम पे है। चौथा, यहां हम 13 बलात्कार हुए एक सप्ताह में, वहां तो मुजफ्फरपुर में जो समवासिनी गृह था उसमें रोज बलात्कार हो रहा था, और उसकी जो मंत्री थी और जिनके पति का वो था उसको भी टिकट दे दिया उन्होंने मुजफ्फरपुर से। तो ये दर्शाता है जनता ने मन बना लिया है, बिहार की जनता का मन बना हुआ है। जिस दिन चुनाव होगा उस दिन नीतीश कुमार की रवानगी तय है और राजद कांग्रेस दोनों की सरकार का 2/3 बहुमत से तय है। आगामी चुनाव में उत्तर प्रदेश में आपकी क्या रणनीति होगी, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, 5 साल का जो कार्यकाल रहेगा भारतीय जनता पार्टी का, इनसे किसान पूछेगा तुम तो हमको दुगना उपज का दे रहे थे, हमारा तो उतना ही मिलना मुश्किल हो गया। फिर जो कृषि विधेयक लाए, मैं कहता हूं 100 पेज का है, क्या उसमें एक लाइन नहीं जोड़ी जा सकती थी कि MSP रहेगा यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा? तो नियत खराब। ये किसान की उपज को खास तौर से अडानी की तिजोरी तक पहुंचाना चाहते हैं, हम उसके विरोध में है। जनता उस जो जानवर छुट्टा जिन्होंने किसान का खेत चरा है वो भी एक बड़ा भारी मुद्दा है, बेरोजगारी। और तीसरा, मैं मानता हूं कि जो उत्तर प्रदेश हो या देश हो, अगर आज कोरोना आया है तो सिर्फ एक आदमी उसके लिए गुनाहगार और गलती है, उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। जब चीन में आ गया था अक्टूबर में 2019 में, तो इनको दिसंबर में इंटरनेशनल फ्लाइट रोक देनी चाहिए थी, जो अंतर्राष्ट्रीय विमान आ रहे थे, क्योंकि कोरोना कोई पैदल चल के तो आता नहीं।
हवा से भी नहीं आता, आता तो सिर्फ हवाई जहाज से। तो दुनिया के और देशों ने, चाहे ताइवान हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे जापान हो, जब इन्होंने इंटरनेशनल फ्लाइट रोक दी थी तो यहाँ सिर्फ नमस्ते ट्रंप की चापलूसी के लिए वो फरवरी तक चलाई गई। और दूसरी जब लंडर इन्होंने की कि जब इन्होंने लगाया था जिसको कहते हैं कि 21 दिन वाला कर्फ्यू लॉकडाउन, तो ये कोई कोरोना ब्लैक मनी थी जो भाग जाती कि आप 8:30 बजे घोषणा कर रहे हो, 12 लगा रहे हो, प्रशासन तक को नहीं मालूम था सुबह क्या करना है उनको, तो जनता को क्या मालूम होता। तो उसकी वजह से लाखों विस्थापित आए, करोड़ों, तो उसकी सजा मिलेगी, मिलेगी। जो वादे किए थे पूरे नहीं किए। उत्तर प्रदेश में मैं विंध्यवासिनी माँ देवी के मंदिर में उनको प्रणाम कहते हुए कह रहा हूँ, जिस दिन चुनाव होगा, योगी की जो अक्षमता है, जो उन्होंने 5 साल बर्बाद की उत्तर प्रदेश की, उसकी कीमत भाजपा चुकाएगी, भाजपा जाएगी। और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, मैं फिर दोहरा दूं, प्रियंका गांधी के राजनीतिक नेतृत्व में कांग्रेस की वापसी तय।